आपने नाम है? अच्छा जी, अच्छा कह रहे मम्मा जी मैंने नाना है। मम्मा जी मोटर भर गई है। मोटर भर गई है? जाओ मोटर भर कर क्या मेरा बेटा। अच्छा और मम्मा तेरी बाइक किधर भर के रखी हुई है? आटा ये मैंने सामने वाली बाजी से गुनवाया है, तुम मुझे आटा गून दो क्योंकि मैं आटा नहीं गून सकती अभी। आटा मेरे लिए मुश्किल है तो रात मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने ना बर्तन देने दिए थे। क्या करें बहन भैया, कैशा है और मैं हूँ। कैशा जितना भी चली सोचता है ना, कसम से मेरा बहुत साथ देती है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। हाँ जी, तो मैंने कहा अभी बिल्कुल इनसे रात की रोटी पराठा खाना तो मेरे बेटे में ताज़ा पराठा बना लेती हूँ। नहीं चाय वाली रोटी। चाय वाली रोटी चल सही है, जो मुझे तो कोई नहीं कहते ना, मैं आप लोगों को नाश्ता करवा दूँ क्योंकि आज मेरे स्टीक जो है ना बहुत तकलीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़ले और ज़ुकाम बुखार। तो कैशा के पास जा नहीं रहा है, मैंने कहा मैं कैसे गोद में लेकर रोटी ना हूँ, उसे वैसे भी गोद में लिया जाता क्योंकि इस साइड का मेरा ऑपरेशन है। अल्लाह ना करे अगर ये तो लात वगैरह मार दे, तो ये ना मैंने पेड़े बना दिए हैं। 14 पराठा मैंने कहा मैं बना देती हूँ, तेरे साथ में अंडा खाना नहीं चाहिए। दोनों बहन भाइयों के लिए भी बता दो अंडा पराठा, अगर चाय पराठा खाना तो मेरा बेटा मुझे ये नहीं पता। चाय चाय। अच्छा छोनू बात छोनो मेरी, ए एच 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 मुझे वो कहते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद माँ कितनी मजबूर हो जाती है कि अपने बच्चों को ले भी नहीं सकती। मैं अभी से 2 दिन पहले लेने लगी हूँ घर में, 2-3 दिन पहले याद आई। कहाँ जाना है पापा का? ओनू भैया चीजें जा ले बात। पापा ने नाश्ता किया, पापा अपने चाय भी तैयार और हमारा पराठा भी तैयार। आज ये पहले बहन भाई जी जिसने पराठा खाना है। अब मैं उसे उधर खड़ा करके आई हूँ दोनों में छोटू को। हाँ जी मोबाइल गली में देख रहे हैं, मोबाइल गली में देख रहे हैं मैं। हाँ जी अब और आज जाते हो देख देख के ना खुश हो जाए। ये देख लेने के काम सब लगे हुए हैं, उन्हें भी और ये भी। ना भी जाओ आप तो खिला लो बस, ठीक है नाश्ता बन गया, नाश्ता करो अपना दोनों बहन भाई क्योंकि ये रो रहा था ना इसको खिला रहे थे। फिर ये कद्दू बेचने वाला है सब्जी, मैंने कहा था ना कद्दू ही ले लेते हैं। तैयब तैयब मैंने कहा 1 किलो कद्दू दे दें, अदरक दे दें, वो खड़े खड़े ले लेते ना। तैयब तैयब वो सुनता नहीं है, पता नहीं ये जानबूझ के कर रहा है। तैयब
अब इसे बोलोगे ना तब। तो ये बात सुनो मेरी, तुम कद्दू वाले को पैसे दे के ना सब्जी वाले को, ठीक है बाकी पैसे देते हो। गर्मी इतनी ज्यादा, यकीन माने कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा कद्दू 120 रुपए देने, मेरे तो पूछ लेना पुदीना है। पुदीना यहाँ क्या करोगी? पुदीना ले लेते हैं, चटनी के काम आ जाएगी। है पुदीना? नहीं बता। साढ़े आठ सौ नब्बे रुपये दिए। गिनती नहीं आती, कितने दिए? साढ़े आठ सौ और नब्बे रुपये उन्होंने दिए 890 रुपये। ठीक है, जिसको 890 रुपये लग रहे हैं। ये देख रहे हो कि इसमें ना वाइट फूल आ भी गया। ये कद्दू, अच्छा पुदीना भी लिया? अदरक नहीं दिया? नहीं, अदरक खत्म हो गया। अच्छा चलो ना, ऐसे तो मोटर भी भर गई है। हम भी कहाँ गई? काम पे गई हूँ। चलो ठीक है, कैसे मैं बसंत दोनों फिर सही मेरा बेटा, तो मेरा तो दिल कद्दू का रायता बना देंगे। ठीक है, रात के लिए भी हो जाएगा। तो रात को ही बनाएंगे, दिन में तुमने नाश्ता ही लेट किया। देखो पंखा चल रहा है, इलावा चाहिए। आज काम ही आया हुआ है, काम ही नहीं है वो इमरान आया हुआ है, और वो दूसरा क्या नाम है इसका, भाई बड़ा हट के छोटा, बड़ा है बड़ा। ये बड़ा तेरा दूध गर्म हो गया, और गर्मी बहुत ज्यादा आ गया है ना, काफी ज्यादा गर्मी है, और देखते हैं क्या करना है। छोटे को तो काफी तेज बुखार हुआ, उसका सिरप भी पिया है मैंने ना, ये टेबलेट। ये ना इमरान खान का बच्चा है, सुबह दिया था तो एक बार ना और फिर दूंगी से, क्योंकि दूध गर्म हो जाए फिर ये क्या हमारा काम खत्म हो जाएगा। बस चार पांच रोटी है जो मैंने बनानी है, वो बना देंगे सालन का, शाम को ही सोचेंगे। इमरान इधर आओ मेरे साथ में, देखो वो, देखो अंदर उन्होंने बजा वो बांध नहीं है सारे, वो बांध वहाँ पे, वो बाल्टी रखी है ना, वो बाल्टी भर के ना वो बांध उसमें भी धोते हैं, ठीक है सारे, ताकि रात को खुदम आए आकर चरपाई भर ले, ठीक है ना। वो गया दूध गया, बच गए। बस तो मैंने सोचा ये ना, अब तो पैर को मैं सालन बना के क्या दूंगी, जब पैर का गुजारा है ना, वो ना चटनी भी कर लेते हैं। और मोहम्मद शोर नहीं मचाओ। टमाटर और क्या हो जाएंगे दान, ये ढक्कन इसके अंदर, इसके ऊपर देना देने से जल्दी। मैंने कहा चटनी जो ना वो तल लेते हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड करेंगे। आटा मैंने गुंदवाया था सुबह बाजी से, मैं बताती हूँ कातून इसके कातूनों ने जरूर किया आटा। और ये शाम को ना भरते भी नहीं रखनी मैं, क्या हुआ है वो काफी याद है, अंदर चमची देना मुझे। ये घी और अच्छा, और इसमें मैं डाल दूंगी नमक,
ये मतलब नमक और काली मिर्च। तो थोड़ी सी ना बस काली मिर्च और इसमें ना जीरा है। जीरा तो खत्म हो गया अम्मा। नहीं ये थोड़ा सा ये देखो देख लिया मिर्च में ऐड करूँगी। बाकी चीनी मैंने इसमें निकाल दी थी निकाल दी है ये उसमें रखो क्या अच्छा देना दूँगी चीनी। आए मैन भैया चिकनी पूरी मेरी दाल बनती है आए और मिलकर खाते हैं इस चटनी को। लहसुन मैंने नहीं डाला अगर इसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल देना तो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये फ्रिज में रख दूँगी बाद में आके सफाई करूँगी। पता क्या इशरत तो है नहीं जितना मुझसे होता है ना मैं उतना कर लेती हूँ अपनी जान को ज़्यादा अजाब नहीं देती। अगर मैं लेट गई जितना मैं कर रही हूँ फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा मेरे बच्चों को कौन संभालेगा इसीलिए मैं ना तैयार है चटनी। मैंने कहा चार की रोटी भी साथ ही उतार लूँ। हवा माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी चल रही है ना छोटा सोया बहुत मुश्किल से सोया बहुत मुश्किल से क्योंकि ऑन मोहम्मद फिर और क्या शाम चाहते हैं शोर इन दोनों को चलो ऑन मोहम्मद तो बच्चा है क्या शाम तो बच्ची नहीं है। ये दोनों बहन भाई जब आपस में खेलते हैं कितना शोर मचाते हैं खेलते हुए सोफे के ऊपर कूदो बेड के ऊपर कूदना ठीक है फिर वो शोर से उठ जाता है कभी कोई चीज़ बजाना शुरू कर देते हैं कभी कोई चीज़ बजाना शुरू कर देते हैं फिर जाएगी उसकी तबीयत पहले ही ख़राब है बच्चे की तो वो फिर नींद उसकी ना पूरी होगी उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। वहाँ पर तरपाल फिर उतर गई नीचे अब बकरी पे फिर दोबारा पिछाऊ करते हैं बड़े बड़े भाई को ऊपर छत पे से चढ़ा के करवा लो। हनान हनान नाम है पता नहीं मुझे भी पता नहीं तो छोटा बड़ा कहते जो है ना हम छोटे छत पे पूरा मान रहे आ जा हनान एक हनान नाम है ना तो एक बेटा एक काम कर वो ना फिर लगा दे वहां पे पाइप में साहब की बिजनेस वो तो ये हवा चली ना तेज शुक्र तेज हवा है मगर फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा है और हमसे पूछ के देखते हैं हमारे हाल क्या है यहाँ पर खाना बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी खाना बेहतरीन तो बनेगा मगर आप जब चुप रहोगे तो अगर छोटा उड़ गया ना फिर खा लेना खाना फिर मैंने रोटी हमसे नहीं यहीं पर छोड़ देनी कसम से पेड़े करके रख रहे हैं ना रोटियाँ भी डिंगी छोटी सी पकड़ी है जी। और मोहम्मद मोबाइल की बैटरी खत्म कर दी होगी नहीं बंद नहीं बंद हो लॉक खोल दो बंद हो दो कच्ची ऊपर करो पहले अपने ये लो पकड़ो कार्टून देख रहा था तब हाँ लगा दो ऐसे ही लगा दो ऊपर वो ये ले जो चेयर ले जो नहीं चेयर ले जो ये लो इमरान नहीं वो उसको ऊपर फिर वैसे चलाएगा हनान ये चेयर ले लो ना बेटा चेयर पे खड़े हो गया आराम से हो गया हम ऊपर छत पे जाने बस वो उल्टे देख के माननी ये जी हमारा फालसे का मुरब्बा और अब हम लगे इमरान ये लो वापस लेके चलो और ये रोटियां हमारी इधर चटनी इधर नीचे रख लो इधर काल आ गई अच्छा मैं सुनती हूँ ये लो इमरान रखना बेटा काल आ गई थी अच्छा मैं देखती हूँ किसकी काल आई थी ना वो देखती हूँ हाँ जी चलो बैठो आ जाओ इमरान आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आप भी आपने नहीं खाने अच्छा अब आपने खेलना शुरू कर दिया तो अंदर पंखे के नीछे चलो ना मेरा छोड़ना जल्दी कच्ची ऊपर करना पहले अपनी कच्ची ऊपर करो कच्ची ऐसे जाओ अंदर चलो क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है देख रहे होंगे आप
ये चिड़ियाँ कैसे उड़ देंगी, क्योंकि वहाँ पे पानी रखा हुआ है ना चिड़ियों का, इसलिए। और धूप धूप तो आज अल्लाह माफ़ करे, तौबा तौबा, आज गर्मी ने सारी हदें पार की हुई हैं। और गर्मी आज आपको बता दें 48, और अचार यहाँ पे रखा हुआ है मैंने कि ये अच्छे से इसको धूप लगे। सर्दी नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हुई है, जैसे कल आपको बुखार था ना, ऐसे फेबरोल का सिरप तो दिया है, दोनों को दिया मैंने। नहीं, इसके ऊपर नहीं देना, गर्मी ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, देख लो ये पंखा है। बस मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ए मेरे अल्लाह अपना रहम फरमा, करम फरमा, और हम लाखों से बेहतर हैं, करम है मेरे अल्लाह का ऊपर, बहुत बहुत शुक्र है। क्योंकि वो लोग भी है जिनके पास ये पंखा भी नहीं है। उन मोहम्मद को आई ये नींद, सो गया हुआ था, मैंने डांट डपट के सुलाया, मैंने कहा बाहर गलियों में निकलोगे तो ही उलिया बिगड़ेगा और बुखार चढ़ेगा। पहले छोटू को इसको बुखार चढ़ा हुआ है, ये देख लें अब तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, बेचैन है बहुत ज़्यादा, कैक्शा तो सो गई है ना कर। और मोहम्मद भी ना आया, अब इसको भी मैंने नहलाया तो है, सुबह से 4 से 5 बार नहला चुके हैं कि गर्मी है इसलिए। सोकर उठ गई हुई है, और मैंने कहा यहाँ पे बैठे बैठे जनसाना मैं लगा दी थी यहाँ पे पानी, और काफ़ी जनसाना सैन मैंने ना ठंडा कर लिया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की तबीयत दोनों और मोहम्मद की भी अब ख़राब हो चुकी है गर्मी की वजह से। कि ये कूलर ठीक हो तो कल कहती हूँ कदम से कि कल जनसाना लाजमी कूलर ठीक करवाएं घर होंगे तो, क्योंकि भी ऐसे गुजारा नहीं है बच्चों का, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी इतनी इंतहा की कि बच्चों का बुरा हाल हुआ हुआ है गर्मी से, बता नहीं सकती आप बहन भाइयों को कि जो सूरत हाल है। और यकीन करें कि आज जो गर्मी है ना, गर्मी आ रही आज मेरे ख्याल है 48 है, सच ख्याल से नहीं सच में। तो कैक्शा क्या कबू ये निकाल रही हो, मैं कर लेती हूँ वहाँ से आके सफाई, वहाँ की ना मैं करती हूँ आके ना, जब तक पानी का छिड़काव मैं कर लूँ। तो बहन भाइयों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहूँगी। इनमें पौधों में पानी तो मैंने कुछ लगा दिया हुआ था, थोड़ा सा मैंने कहा लगा दूँ, क्योंकि फिर परिंदे भी आते हैं इनमें से पानी पीते हैं, और पौधों वो लेकर आए थे जिनमें परिंदों के लिए पानी डाल के रखना पड़ता है, वो मैं भर के रख, आज रखना भूल गई, गमला भर के रख दिया था एक मैंने पानी का, बाकी बाजरा और चावल वगैरह ये चीज़ें डाल देती हूँ उसमें चिड़ियों। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छा सा भी लोग लेकर, तब तक मेरे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बच्चों के लिए लाजमी दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें सेहत दे आमीन। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।